अगर आप एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और आप किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में जो लॉगिन स्क्रीन आता है किसी भी फायरवॉल का, उसको बाईपास करना चाह रहे हैं, तो आपको उसकी आईटी डिपार्टमेंट में अपना फ़ोन का डिवाइस का मैक एड्रेस प्रोवाइड करना होगा। मैक एड्रेस को प्रोवाइड करने के लिए आपको अपनी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद सबसे नीचे या आपको फोन के जनरल सेटिंग में जाना है और अबाउट में जाना है। जैसे आप फोन के जनरल सेटिंग के अबाउट में जाएंगे तो आपको किसी न किसी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे आप टॉप पर देख सकते हैं, ये फोन किसी न किसी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है। यहाँ पर आपको एक वाईफाई एड्रेस दिखाई देगा। यहाँ मेरे फोन का वाईफाई एड्रेस को देख सकते हैं, जो है 18FA B7CF32CA। ये मेरे फ़ोन का एक्चुअल मैक एड्रेस है। इस एड्रेस को आपको नोट करना है और वहाँ के आईटी डिपार्टमेंट को दे देना है, जिसके बाद वो आईटी डिपार्टमेंट इस मैक एड्रेस को अपने सिस्टम फायरवॉल के अंदर मैक बाईपास में डाल देगा। फिर इस ये डिवाइस हमेशा के लिए इंटरनेट को यूज़ कर सकता है विदाउट एनी लॉगिन एक्सेस क्रेडेंशियल। मगर यहाँ पर एक छोटा सा और भी काम हमें करना पड़ेगा, जो यूज़र हैंड पर होगा आईटी डिपार्टमेंट नहीं करेगा, आपके फ़ोन में करना होगा। आपको आना वाईफाई एड्रेस में। उसको समझने के लिए पहले आपने जनरल में जो वाईफाई मैक एड्रेस लिया था उसके लास्ट के दो डिजिट को आप अपने दिमाग में रख लीजिए, जो इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। मेरे फ़ोन के वाईफाई एड्रेस के लास्ट दो डिजिट है 32C8। 32C8 को हम याद रखते हैं और हम इस फ़ोन के वाईफाई सेटिंग में आते हैं। इस फ़ोन के वाईफाई एड्रेस सेटिंग में जैसे कि हमारे पास एक SSID कनेक्टेड है सीधे न्यू, अभी तक ये बाईपास नहीं किया गया है और ये लॉगिन क्रेडेंशियल के बाद ही नेट चला रहा है। इस पर आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वाईफाई मैक एड्रेस दिखाई देगा। देखिए ये वाईफाई मैक एड्रेस कुछ डिफरेंट है, आपको दोबारा दिखा दें। ये वाईफाई मैक एड्रेस जो मैक एड्रेस हमने आईटी डिपार्टमेंट को दिया है उससे सेपरेट है। तो ये क्या हुआ, इस केस में अगर आप वहाँ का आईटी डिपार्टमेंट आपका मैक एड्रेस को अलाउ कर भी देगा तो भी आपके फ़ोन पर नेट नहीं चलेगा, फिर भी आपके फ़ोन पर लॉगिन स्क्रीन आएगी। तो समझते हैं इस टेक्निकली कि ये क्या हो रहा है। आजकल फ़ोनों के अंदर एक्चुअल मैक एड्रेस को छुपा कर वर्चुअल मैक एड्रेस यूज़ किया जाता है, जिसको प्राइवेट एड्रेस या वर्चुअल मैक एड्रेस कहते हैं। तो यहाँ पर प्राइवेट वाईफाई एड्रेस इनेबल है। इस प्राइवेट वाईफाई मैट्रेस को अगर इनेबल रखेंगे तो कुछ समय बाद ये फ़ोन एक वर्चुअल यानी कि काल्पनिक मैक एड्रेस को जनरेट करेगा और ये फ़ोन उस एड्रेस को ही हमारे हार्ड फायरवॉल या सिक्योरिटी सिस्टम को सेंड कर देगा। ये वाईफाई मैक एड्रेस कभी भी आपने आईटी टीम से बाईपास नहीं करवाना है, क्योंकि ये मैक एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा तरीका है, आपको इस प्राइवेट वाईफाई मैक एड्रेस को ऑफ रखना है। जैसे आप इसे ऑफ करेंगे तो आपके यहाँ पर वाईफाई एड्रेस दिखाई देगा एक्चुअल वाला, जो आपके हैंडसेट का रिजर्व है 32CA। ये देखिए अब यहाँ पे वही वाला मैक एड्रेस दिखाई दे रहा है जो हमने अबाउट सेटिंग से निकाल के आईटी टीम को दिया था। जैसे ही आप प्राइवेट वाईफाई मैक एड्रेस ऑन करेंगे आपको एक काल्पनिक मैक एड्रेस मिल जाएगा। ये काल्पनिक मैक एड्रेस से कभी भी आपका डिवाइस वाईफाई बाईपास नहीं होगा और आपको लॉगिन क्रेडेंशियल एंटर करने ही पड़ेंगे। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि आपको अबाउट से वाईफाई मैक एड्रेस देना है प्लस इस प्राइवेट वाईफाई मैक एड्रेस को उस SSID जिसमें आप कनेक्टेड है ऑफ रखना है। जैसे आप ऑफ करेंगे एक्चुअल वाईफाई मैक एड्रेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा इस सेट का। और दूसरी चीज, ऑटो ज्वाइन हमेशा ऑन रखिए। अब आपके इस हैंडसेट पे ऑटोमेटिक वाईफाई चलता रहेगा बिना किसी प्रॉब्लम के। ये लॉगिन स्क्रीन अभी भी आ रही है क्योंकि मैंने अभी भी इसको बाईपास नहीं करवाया है मेरी आईटी टीम से। जैसे मैं आईटी टीम से इसे बाईपास करा दूंगा तो मेरा नेट चलना शुरू हो जाएगा विदाउट किसी लॉगिन क्रेडेंशियल को। तो ध्यान रखिए, ये छोटा सा वीडियो एप्पल फ़ोन के लिए बनाया गया था ताकि उसके वाईफाई मैक एड्रेस की सेटिंग आप कर सकें, और ये सेटिंग यूज़र लेवल पर ही करनी होगी, आईटी टीम के लेवल पर नहीं होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। अगर आप इस सेटिंग को कर लेंगे तो आपका मैक, आपका मोबाइल फ़ोन विदाउट एनी इंटरप्शन वर्किंग करता रहेगा। दो चीज़ों का ध्यान रखना है, वाईफाई मैक एड्रेस आपने दोबारा बता दो कहाँ से देना है, फ़ोन के जनरल में गए, अबाउट में गए, जो वाईफाई मैक एड्रेस यहाँ दिखाई दे रहा है
ये वाला माइक वाईफाई मैक एड्रेस ही अपने आईटी टीम को देना है। उसके बाद जो वहाँ का सिग्नल है उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस वाईफाई सिग्नल में आपको जाना है, उस सिग्नल को वहाँ के एसएसआईडी के पासवर्ड के साथ वन टाइम आपको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद उसकी सेटिंग में जाने के बाद आपको ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो ऑटो ज्वाइन ऑप्शन है वो हमेशा ऑन कर देना है और प्राइवेट वाईफाई मैक एड्रेस ऑन नहीं होना चाहिए। प्राइवेट माइक तो वाईफाई एड्रेस वर्चुअल मैक एड्रेस होता है, इसको हमेशा के हमेशा के लिए अपने ऑफ रखना है तो आपका डिवाइस बिल्कुल फंक्शन की तरह काम करेगा। तो ये देखिए अभी हम वाईफाई सेटिंग में जाते हैं, तो यहाँ पे हमने प्राइवेट वाईफाई मैक एड्रेस को ऑफ कर दिया है और एक्चुअल वाईफाई एड्रेस दिखाई दे रहा है और हम वाईफाई को यूज़ कर पा रहे हैं बिना किसी लॉगिन के। मगर ऐसा करने पर आपको एक वार्निंग आएगा कि आपने प्राइवेट वाईफाई एड्रेस को टर्न ऑफ कर दिया है। तो अगर आप इसे ऑन करेंगे तो किसी भी सिस्टम का वाईफाई सिस्टम आपको बाईपास नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर आपका डिवाइस कुछ समय बाद वर्चुअल मैक आईडी क्रिएट करता रहेगा। तो ये प्राइवेसी वार्निंग तो आपको मिलेगा ही मिलेगा उस समय अगर आप लॉगिन स्क्रीन को बाईपास करना चाहते हैं, तो ये बैरिकेटिंग आपको फेस करना ही पड़ेगा। अभी देखिए अगर मैं इसका वर्चुअल मैक एड्रेस ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा आपके सामने मैक आईडी, ये देखिए कुछ बदल के आया है। ये पहले वाली वीडियो में आप देखिए कुछ और आ रहा है, अब कुछ और आ रहा है। जैसे ये मैक आईडी बदलेगा तो आपको दोबारा से अपना सीडीएलयू का जो मेरा नेटवर्क है यहाँ का वो ऑन करना पड़ेगा और फिर लॉगिन स्क्रीन आना मेरे पास शुरू हो जाएगा। ये देखिए ये फिर से मुझे लॉगिन स्क्रीन सिस्टम ने देना शुरू कर दिया है। तो अगर मैं इस लॉगिन स्क्रीन को लॉगिन नहीं करूँगा तो मेरा इंटरनेट चलना, ये देखिए वाईफाई ऑफ हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में सब कुछ सेटिंग करने के बाद भी हमें फेस करना ही पड़ेगा। तो अगर या तो आप लॉगिन स्क्रीन के साथ चलिए, अगर आप लॉगिन स्क्रीन को हमेशा के लिए बाईपास करना चाहते हैं तो आईटी टीम को अपना एक्चुअल वाईफाई मैक एड्रेस दीजिए और देने के बाद आप इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए लॉगिन स्क्रीन आ रहा है, यही मैं इसको लॉगिन ना करके मैं जब वाईफाई सेटिंग में जाऊंगा और अपने प्राइवेट मैक एड्रेस को ऑफ कर दूंगा तो एक्चुअल मैक एड्रेस यहाँ दिखाई देगा और अब मेरा वाईफाई विदाउट एनी लॉगिन स्क्रीन वर्क करेगा। तो ये देखिए अब सीडीएलयू पे आ गए हैं, हम उसे ऑफ करके आए हैं और अभी मेरा वाईफाई काम करना शुरू कर देगा, पर एक प्राइवेसी वार्निंग भी मुझे मिलेगी कि मैंने वर्चुअल मैक एड्रेस को ऑफ कर रखा है। तो जैसे ही हम इसे ऑन कर देंगे तो सीडीएलयू से हम कनेक्ट हो गए, वाईफाई सिग्नल इनेबल हो गया, अभी हम बिना किसी लॉगिन स्क्रीन के आनंद ले सकते हैं इंटरनेट सर्विस का बिना किसी प्रॉब्लम के। तो बस इतना सा वीडियो हमने ये बनाया इन्फॉर्मेशन के लिए कि अगर आपको वाईफाई इस्तेमाल करना है किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ पर फायरवॉल सिस्टम के द्वारा लॉगिन क्रेडेंशियल इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो आपको छोटा सा ध्यान रखना है। तो ये सेटिंग आप कर लेंगे तो आपका वाईफाई बिना किसी इंटरप्शन के उस ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे वर्किंग करेगा जैसे आप अपना प्राइवेट इंटरनेट चला रहे हो, ना कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का। परंतु आपको ये दो बातों का ध्यान रखना है कि आपको प्राइवेट मैक एड्रेस ऑफ रखना पड़ेगा और एक्चुअल मैक एड्रेस ही उसकी आईटी टीम को देना होगा। तो थैंक यू एंड बाय बाय। इसी के साथ अगला पार्ट इसी वीडियो में चलेगा एंड्रॉयड फ़ोन के लिए कि एंड्रॉयड फ़ोन में आप ये काम कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका अगला पार्ट एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए। आइए अब हम आपको सेम जो हमने एप्पल में करके दिखाया था वो एंड्रॉयड फ़ोन में भी दिखाते हैं कि अगर आपके पास किसी भी कंपनी का एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसकी सेटिंग में आपको जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको अगेन अबाउट फ़ोन में जाना है इसमें भी, और यहाँ स्टेटस इन्फॉर्मेशन में आपको दिखाई देगा वाईफाई मैक एड्रेस। तो वाईफाई मैक एड्रेस आपको जो दिखाई देगा और ये मैनेजिंग नेटवर्क में चले गए, यहाँ पे हमें ये रहा ये वाला फ़ोन वाईफाई मैक एड्रेस ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये वाला फ़ोन माई वाईफाई मैक एड्रेस आपको अपनी आईटी टीम को देना है, जिसमें सीबी और सीसीए लास्ट में हम नोट कर लेते हैं आपको समझाने के लिए जो हमने एप्पल के अंदर अभी बताया था। ये जो फ़ोन वाईफाई मैक एड्रेस आपको दिखाई दे रहा है इसी को आपने अभी डिवाइस की वाईफाई सेटिंग में नोट डाउन करना है। जैसे आप इस फ़ोन के वाईफाई सेटिंग में गए तो जो सिग्नल आ रहा है उसके एसएसआईडी देने के बाद आपको इस गरारी पे अगर क्लिक करते हैं तो आपको इसका डिटेल में दिखाई देगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मैक एड्रेस का है, जैसे वहाँ पे था प्राइवेट मैक एड्रेस, यहाँ पे रेंडमाइज मैक एड्रेस या वर्चुअल मैक एड्रेस, इसको क्लिक करना है। क्योंकि देखिए अगर ये रेंडमलाइज मैक एड्रेस है तो फिर नीचे देखिए मैक एड्रेस कुछ और आ रहा है,
CBCC की बजाय क्या मैक एड्रेस दिखाई दे रहा है, D2OC। तो इस कंडीशन में ये फ़ोन लॉगिन स्क्रीन मांगेगा। अगर आप इसको क्या कर देंगे, फ़ोन मैक एड्रेस, तो जैसे ही आप ये सेटिंग बदल देंगे तो यहाँ देख के नीचे मैक एड्रेस की जगह CBCC वाला मैक एड्रेस दिखाई दे रहा है, जो कि आपने IT टीम को दिया था। अब इस फ़ोन पर आपको लॉगिन स्क्रीन नहीं आएगी। तो वेरी सिंपल, आपकी IT टीम केवल आपके फ़ोन के मैक एड्रेस को बाईपास कर सकती है कि इस डिवाइस पर लॉगिन स्क्रीन प्रेजेंट ना हो और इसको डायरेक्ट इंटरनेट फैसिलिटी मिल जाए। परंतु यूज़र को भी एक छोटा सा काम यह हर बार अपने डिवाइस में करना पड़ेगा, यह ध्यान देना होगा कि आपका फ़ोन कनेक्ट है आपके लोकल वाले मैक एड्रेस से, जो कि फ़ोन पे हमेशा के लिए बाइंड किया गया है, जो एक्चुअल मैक एड्रेस है। अगर आप वहाँ पे वर्चुअल मैक एड्रेस डालेंगे तो फिर वो फ़ोन वाले फंक्शन काम नहीं करेंगे। अब इस फ़ोन में भी अगर आप नेट चला के देखेंगे तो आपको कोई लॉगिन स्क्रीन दिखाई नहीं देगी और आपका डायरेक्ट इंटरनेट फैसिलिटी चलता रहेगा। परंतु ध्यान रहे कि जब भी आप ये सेटिंग कराएंगे तो ये तभी काम करेगी जब आपकी IT टीम आपके फ़ोन के एक्चुअल डिवाइस मैक एड्रेस को बाईपास कर चुकी होगी, अदरवाइज आपको यहाँ पर भी लॉगिन स्क्रीन आएगा। तो ये छोटी सी सेटिंग को ध्यान रखिए। दोबारा बता दें, एंड्रॉयड में भी आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है, अबाउट में जाना है, स्टेटस इंफॉर्मेशन में आपको दिखाई देगा फ़ोन वाईफाई एड्रेस। ये फ़ोन वाईफाई एड्रेस देने के बाद आपकी IT टीम जब डन कर देगी कि उन्होंने इस मैक एड्रेस को अपने फायरवॉल रूट में बाईपास कर दिया है, उसके बाद आपको अपने डिवाइस के वाईफाई सेटिंग में जहां कनेक्टेड हुए हो वहां एक चीज़ इस गरारी पर इस सेटिंग ऑप्शन में जाके व्यू मोड में जाके तय कर लेना है कि मैक एड्रेस टाइप फ़ोन मैक होना चाहिए, ना कि रैंडमली या वर्चुअल मैक एड्रेस। अगर वो वहाँ हुआ तो आपको जो मैक एड्रेस नीचे दिखाई देगा वो डिफरेंट दिखाई देगा, आपको वही मैक एड्रेस आपके फ़ोन में दिखाई देना चाहिए SSID के अंदर जो आपने अपनी IT टीम को दिया है। अगर वो मैक एड्रेस वहाँ दिखाई देगा तो आपका इंटरनेट सक्सेसफुली चलेगा। थैंक यू एंड बाय बाय। और